हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कंपनी के बारे में जो बताने वाला हूँ डिटेल्स, दोस्तों इसमें एक नहीं दोस्तों 100 भाइयों लोग का कमेंट आया था, वो भी कोड के साथ। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि ये कंपनी के बारे में डिटेल से वीडियो बना दो। आई डोंट नो, इसका वैकेंसी शायद आया है, इंडिया में भी शायद आया है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, नेपाल, क्योंकि हर कंट्री से इस कंपनी के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में प्रॉपर मैं वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि ये कंपनी में सैलरी का क्या सिस्टम है, खाना कैसा है, टाइम पे सैलरी मिलता है कि नहीं, और इसमें कौन सा देश का ज़्यादा वर्कर है, प्रॉपर बात करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। और जो भी सवाल है या आपके कंपनी के बारे में डिटेल में वीडियो बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कॉमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो भी कंपनी पता करता हूँ ऐसे ही नहीं, वर्करों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ दोस्तों वहाँ के वर्करों से मिल लेता हूँ और उससे पूछता हूँ कंपनी का पूरा डिटेल। क्योंकि किसी भी कंपनी को आपको मालूम है कि रियलिटी पता करना है तो सिर्फ वर्कर ही बता सकता है। तो ये कंपनी के बारे में पूरा मुझे डिटेल पता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास हर नॉलेज होता है लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कंपनी कैसी है। यहाँ से एजेंट आपको कैसे भी भेज देगा, बट वहाँ जाने के बाद आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से दोस्तों यही पता करना कि कंपनी कैसी है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हर यूट्यूबर आपको देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा मगर इस तरह का कॉन्टेंट आपको नहीं मिलेगा कि कंपनी कौन सी अच्छी है, क्या है, सब आने जाने की बात करते हैं कि कैसे आना है, कैसे जाना है, या फिर कौन सा एजेंट से जाना है। बट ये टॉपिक पर आपको वीडियो शायद ही मिलेगा कि कंपनी के बारे में कोई टॉपिक पर वीडियो बनाए। तो दोस्तों जो कंपनी के बारे में नाम बताया दोस्तों, वो कंपनी का नाम है पिवोट इंजीनियरिंग कंपनी। यह बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। दुबई में इसका हेड ब्रांच है, बाकी और भी कंट्री में है, बट मेन हेड ब्रांच दोस्तों जो यूएई में है, अबू धाबी में है, जो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, वहाँ पे दोस्तों। ऑलरेडी खुद मैं इस कंपनी में, हमारी छोटी कंपनी था तो हम लोग एसी का काम करते, तो वो एसी वाला काम दोस्तों हमारी कंपनी ली थी इस कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी में दोस्तों सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी में सबसे ज़्यादा जो वर्कर है वो इंडियन वर्कर काम करते हैं, उसके बाद बांग्लादेश के हैं, उसके बाद पाकिस्तान के, उसके बाद नेपाल के। मतलब इसमें अभी कम से कम 12 से 13 हज़ार वर्कर काम करते हैं दोस्तों। और ये ज़्यादातर मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है, जैसे कि 10 फ्लोर 12 फ्लोर 8 फ्लोर ऐसा कर करके बिल्डिंग ज़्यादातर बनाती है दोस्तों। और गवर्नमेंट का भी इसका काम मिलता है। और दुबई लेबर लॉ हिसाब से जो भी सुविधा मिलना चाहिए दोस्तों, ये सारे सुविधा वर्कर को देता है। बट खाना उतना अच्छा नहीं है, सीधा सिंपल सा बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मैं दिल जीतने के लिए कुछ उल्टा सीधा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, जो रियल है वही आपको रियल जानकारी दे रहा हूँ। इसका खाना, क्योंकि 10-10 हज़ार वर्कर के साथ हज़ार अगर खाना बनता है तो खाना में एक्चुअली उतना टेस्ट नहीं होता, बट खाना ऐसा होता है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते हो। जो खाना बनाता है दोस्तों उसको मोटिव यही होता है कि कोई भी मेरा वर्कर या कोई भी लेबर बीमार ना हो, नहीं तो फिर वो काम कैसे करेगा। इसलिए आपको खाने में उतना टेस्ट नहीं मिलता है। बाकी और भी सुविधा अच्छा है दोस्तों। हाँ, ये इस कंपनी में क्या है कि जो फोरमैन लोग हैं वो आपको काम का एक टारगेट बता देगा कि इतना आप काम कर लो, 2 घंटा के बजाय 4 घंटा ओवर दे देगा। तो इसमें ओवर टाइम से सैलरी अच्छा खासा आता है दोस्तों। एक एक महीने में बहुत सारे ऐसे भी वर्कर हैं दोस्तों जो डबल सैलरी उठा लेते हैं। अगर उसकी सैलरी 1,000 है और वो ठीका उका अगर उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, कोई फॉरमैन ठीका वाला सिस्टम देता है, तो 2-2 हज़ार सैलरी उठा लेता है। बट ये कंपनी में काम का प्रेशर दूसरे कंपनी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि फॉरमैन लोग एक्टिव रहते हैं। यही अपडेट शेयर करना था दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।